हमने भी महसूस किया है, हम भी सीख रहे हैं। आज की जो घटना है, आज का जो इंसिडेंट है दोस्तों, इस इंसिडेंट से किसी ने पता नहीं नेगेटिव सोचा होगा, किसी पे दुष्प्रभाव पड़ा होगा, बट आज के इंसिडेंट से भी मैं बहुत बड़ी लर्निंग और एक लेसन लेके गया। और जब आप अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं से कोई ना कोई लेसन लेते हैं, तो आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपका लीडरशिप डे बाई डे मजबूत होता है। वही मजबूती तो आपको एक लीडर बनाएगी, एक ऐसा लीडर जो अपने लोगों को सही दिशा में ले जा सके, एक ऐसा लीडर जो अपने लोगों के हितों के लिए कहीं पे भी चट्टान की तरह खड़ा हो जाए। और जब आप एक ऐसे लीडर बन जाएंगे जो अपने लोगों के हितों के लिए कहीं पे भी चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, आप लोगों को कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों अमीर बनने से, आप लोगों के सपनों को साकार बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कहीं पे भी टीम के आगे चट्टान की तरह खड़े होकर जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां लेने के लिए ईमानदार बनना पड़ता है, मेहनती बनना पड़ता है, कष्ट लेना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमारा अपलाइन वही पेन ले ले, मेरे को सीखना ना पड़े, मेरे लिए काम हो जाए। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और जो अपलाइन आपकी मदद कर रहा है वो सच में आपको ग्रो करना चाहता है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति अगर ईमानदारी नहीं है, उसका जो दुष्प्रभाव है वो आपके अपलाइन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका अपलाइन तो फील्ड में निकल चुका है, वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम को लेकर आगे बढ़ जाएगा, पीछे कौन रहेगा? हम रहेंगे अगर हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने आप को अपडेट करें।